6 में पिछले 24 घंटों में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइटनिंग हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हाइस्ट बारिश मिला दारिंगबाड़ी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है 47.0 मिलीमीटर। इसके बाद जोधा 41.2 मिलीमीटर केवंझर डिस्ट्रिक्ट में है। अखुआपाड़ा भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है 34.0 मिलीमीटर। चंपुआत केवंझरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है 33.2 मिलीमीटर। नयागढ़ 33.0 मिलीमीटर। नयागढ़ में कुआपत्थर भी गिरा है हल्का। और हमारा इस तरह से बारिश हुआ है, हल्का से मध्यम हुआ है। हाइस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था बोध में 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर सभी जगह में 40 से नीचे था। और इंटीरियर उड़ीसा में 2-3 डिग्री बिलो नॉर्मल है, कोस्टल उड़ीसा में स्वाभाविक का आसपास ही था। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, अगला 5 दिन में हमारा फर्स्ट 4 डेज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी स्कैटर्ड वे में थ्री प्लेसेस में उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में रहेगा मेनली। और फिफ्थ वे फिर थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कम रहेगा, हमारा मेनली कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा में एक दो जगह करके रहेगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट में ड्राई वेदर रहेगा। तो अगला 24 घंटे का डिटेल्स जो है इसमें हमारा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कालाहांडी कंधमाल रायगढ़ गजपति सोनपुर सुंदरगढ़ केवंझर मयूरभंज ये सब डिस्ट्रिक्ट में स्कैटर्ड फ्यू प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके रहेगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग तेज हवा 30-40 का वार्निंग भी है मेनली ऐसी सब डिस्ट्रिक्ट में, उसके साथ बालासोर भद्रक जाजपुर केंद्रपाड़ा जगत सिंहपुर में भी है। तो फिर कल भी हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइटनिंग गास्टी विंड 30-40 रहेगा, उसमें भी मेनली हमारा सेंट्रल उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्स कोस्टल का भी कुछ डिस्ट्रिक्स ऐसा झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ केवंझर मयूरभंज अंगुल बोध कंधमाल कालाहांडी नवापाड़ा नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी गजपति संबलपुर बालासोर भद्रक जाजपुर इसमें रहने का चांसेस है। फिर डे 3 मीन्स हमारा 8 तारीख को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज होने का चांसेस है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसा सुंदरगढ़ देवगढ़ केवंझर मयूरभंज बालासोर जाजपुर भद्रक इसमें मेनी प्लेसेस में होने का चांसेस है। और विंड भी थोड़ा तेज होने का चांसेस है, उसमें गास्टी सरफेस विंड 40-50 काल वैशाखी जो होता है वो होने का चांसेस है। तो इसमें हमारा बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी फ्यू प्लेसेस में रहेगा। फिर 9 तारीख में भी रहेगा, 9 तारीख में मेनली कोस्टल उड़ीसा एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा, 10 तारीख में रहेगा मेनली कोस्टल उड़ीसा में, बट उसमें एक्टिविटी कम हो जाएगा, ओनली थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग ही हो सकता है, बाकी वेस्टर्न पार्ट में ड्राई वेदर होने का चांसेस है। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अगला 4-5 दिन में अगला 3-4 दिन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। फोर्थ डे से हमारा टेम्परेचर फिर कैजुअली इंक्रीज करने का चांसेस है। और भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इन इवनिंग व नाइट की तरह होने का चांसेस है। और हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 37 का आसपास रहने का चांसेस है।